तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जितने भक्त हैं उन सब में जो श्रेष्ठ भक्त हैं वो ब्रज की गोपी हैं। फिर आगे कहते हैं तिनके रस पर और उन गोपियों के आराध्य उस मधुर रस के ऊपर उससे भी श्रेष्ठ उससे भी परिष्कृत तिनके रस पर महारस अति दुर्लभ श्री वृंदावनेश्वरी श्री वृंदावन चंद आनंद घन उन्नत नित्य किशोर सबके चूड़ामणि तिनके प्रेममयी निकुंज माधुरी विलास करत हैं। अर्थात उन गोपियों के उस भाव रस से उस प्रेम रस से श्रेष्ठ भी ये महारस है जिस रस को इस निवृत्त निकुंज की सीमा में प्रियालाल सहचरियां और स्वयं वृंदावन धाम बिलसते हैं। ललिता विशाखा आदि इन सखियों के प्राण आधार यह है। सखियों का जो हार्द है इन सहचरियों का जो आराध्य रस है इन सहचरियों की जो इष्ट भावना है। तुलदास जी कहते हैं कि यहां पर ना और सुख न और रस, इससे श्रेष्ठ ना कोई सुख है ना इससे श्रेष्ठ कोई रस है। सबसे पहले क्या है? शांत भाव। ज्ञानी लोग योगी लोग समाधि में जिस सुख को प्राप्त करते हैं सबसे पहले वो शांत रस है। फिर उससे थोड़ा और श्रेष्ठ है दास्य रस कि मैं सेवक हूं प्रभु स्वामी है। उससे और श्रेष्ठ है सख्य, प्रभु के साथ सख्य है। और श्रेष्ठ है वात्सल्य। सबसे श्रेष्ठ भक्ति के सब रसों में सबसे श्रेष्ठ माधुर्य जो गोपियों के हृदय में उच्छलित है। और ध्रुवदास जी कहते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ वो जो ललितादिक सहचरियों के हृदय में जो रस कल्लोलमान है प्रवाहमान है प्रवृद्धमान है वो जो रस उमग रहा है। बोले याते परे ना और कोई भजन ना और कोई सुख। श्री रसिकानंद किशोर प्रेम की सीमा ललिता विशाखा आदि सखियन को प्रेम बिना सीमा जो कयो न जाए। कहते हैं कि युगल सरकार का प्रेम है वो तो प्रेम की सीमा है। श्री जी का रूप क्या है? सुंदरता की सीमा है। देखो माई सुंदरता की सीमा ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी निरख करत अधग्रीवा। देखो माई सुंदरता की सीमा। श्री जी रूप की सीमा है, लाल जी आसक्ति की सीमा है, और युगल का जो प्रेम है वो प्रेम की सीमा है। पर एक बड़ी अद्भुत बात ध्रुवदास जी यहां कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। कहते हैं श्री रसिकानंद किशोर प्रेम की सीमा, युगल सरकार प्रेम की सीमा है, पर कह रहे ललिता विशाखा आदि सखियन को प्रेम बिना सीमा जो कहो ना जाए। बोले इनका प्रेम तो बिना सीमा है, अर्थात इनके प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है, कोई था नहीं है। कहो ना जाए सदा नौतन ते नौतन एक रस नित्य नवायमान नित्य नवीन। सहचरियां मंगला की सेवा करती हैं तो श्रृंगार की सेवा की रुचि हो जाती है। श्रृंगार की सेवा संपन्न कराती हैं तो राजभोग में क्या लाल लड़ाया जाए। प्रियालाल कुछ काल के लिए किसी निवृत्त निकुंज के उदर में किंचित विश्राम करते हैं तब मन में ये भाव उमड़ पड़ता है कि आज संध्या को ऐसी कौन सी क्रीड़ा युगल सरकार को कराई जाए जो आज से पहले इन्होंने ना खेली हो, और खेलते खेलते अंत में उस क्रीड़ा के अंत में ये युगल परस्पर एक रस उस सुख को मिलसें उस रस को मिलसें। ऐसा कौन सा उपक्रम आज करें तो सतत जिनके हृदय में सेवा का भाव प्रवृद्धमान रहता है। कुछ काल के लिए भी जो बिना सेवा की नहीं रह सकती, बिना सेवा की नहीं रह सकती। अच्छा सहचरी का जो हृदय है ना वो रूप से भी अधिक श्री जी की सेवा में आ सकता है, वो सेवा में अनुरक्त है, सेवा की अनुरागिनी है। फिर कहते हैं भाई इनको प्रेम समझनो अति कठिन है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं बोले बाकी सब भाव तो समझ में आते हैं पर इनको प्रेम, इनको अर्थात इन सहचरीन को प्रेम, ये ललिता विशाखा आदि सखियन को जो प्रेम है इनको प्रेम समझनो अति कठिन है। जिन पर उनकी कृपा हुई तब ही उनमें आवे। जिन पर इन सहचरियों की कृपा होती है वही किंचित इस रस की एक कणिका प्राप्त करता है। इसलिए अनेक अनेक स्थानों पर ध्रुवदास जी आपको मुझे संकेत करते हैं प्रथम वंदी इनके चरण सेवहूं श्यामा श्याम।
प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब यारस को किनका पाऊं। सखियन शरण भाव धरी आवे, तो यारस के स्वादई पावे। अधिकारिणी है भाई सखी, इस रस की अधिकारिणी सखी है। देखो धन तो प्रिया प्रीतम है, धन है प्रिया प्रीतम है, लेकिन जो धनी है वो सहचरी है। ये तो सर्वसम्मत सिद्धांत है ना, लोक में भी प्रकट है कि जो धन होता है वो धनी के अधीन होता है। यद्यपि धनी धन के कारण ही धनी है, वो है तो धन के कारण धनी, लेकिन जो धन है वो धनी के अधीन है। धनी जिसे चाहे उसे दे दे, धनी जिसे चाहे उसे दे दे, यही हमारे हितजों की महिमा है। महिमा तेरी का कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली ला। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में रमाया। हटा कर विषय पंक को धीरे धीरे, प्रिया लाल के प्रेम सर में नवाया। महारंक को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। एक रसिक संत के मुख से एक छोटी सी घटना कभी सुनी, उस छोटी सी घटना से उस कुछ शब्दों ने हृदय में कुछ कुछ परिवर्तित किया। कैसा है सहचरी का स्वरूप, कैसा है सहचरी का वो उत्कट वो गाढ़ा अनुराग प्रियालाल के प्रति, कि हिंडोला पर प्रियालाल विराजमान है, सहचरी झुला रही है। प्रिया जी की अलकावली प्रिया जी के कपोल कमल पर आ जाती है, श्री मुख की शोभा देखते ही बनती है। अरे वो शोभा ऐसी है कि अति आसक्त लाल रस लंपट बस कीने बिन मोहन, वो शोभा ऐसी है कि अति आसक्त लाल जी का मन भी वहां पर बंधा है। एक क्षण के लिए सहचरी उस स्वरूप सुधा का पान करने लगती है। छोटी सी बात है पर बड़े ध्यान से सुनना, प्रिया जी के मुख कमल पर वो एक अलकावली सी उड़ आई है, जैसे कमल पर भंवरा बैठकर रसपान करता हो। अद्वितीय अनिर्वचनीय शोभा श्रीमुख की हो रही है, लाल जी का मन भी मोहित हो रहा है। सहचरी का हृदय जो है उस रूप सुधा का पान करते करते उन्मत्त हो जाता है, जो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। एक क्षण के लिए सहचरी झुला रही है, एक क्षण के लिए झुलाते झुलाते हिंडोला की गति मंद पड़ जाती है, वो सुख लेने लगती है उस रूप का, और वो हिंडोले की गति मंद पड़ती है। तत्क्षण सहचरी अपने हृदय को झंझोड़ती है कि मेरा हृदय कैसा, मेरा हृदय है, मैं सेवा के योग्य नहीं हूं, मैं अपना सुख लेने लगी और प्रियालाल के सुख में बाधा पड़ गई। मैं झुलाते झुलाते अपना सुख लेने लगी, मैं श्री जी के इस स्वरूप के दर्शन का आनंद लेने लगी और मेरे सुख के कारण प्रियालाल के सुख में बाधा पड़ गई। ऐसा सहचरी का हृदय है, इसीलिए ध्रुवदास जी कहते हैं प्रेम समझनो अति कठिन है भाई। इसीलिए संत कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवा तो भाई वही करेगा जिसको सेवा में सुख है। जो सेवा को साधन समझेगा ना, वो कभी सेवा में पूर्ण रूपेण प्रवीण नहीं हो सकता, जो सेवा को साधन समझे।
अब हनुमान जी को जाना है, हनुमान जी जैसी राम नाम की महिमा कौन जानता है भाई। अब हनुमान जी सोचते माता सीता का पता लगाने जाना है, चलो बैठकर थोड़ी माला ही फेर लेते हैं, थोड़ा भजन कर लेते हैं। कार्य तो भजन करने से ही होगा, भजन करेंगे प्रभु की कृपा होगी, नहीं, प्रभु का कार्य करने के लिए तत्पर है। सेवा वो कर सकता है भाई जिसको सेवा ही सिद्धि मालूम पड़ती हो, जो सेवा को ही परम सिद्धि मानता हो। सेवा को साधन बुद्धि से जो करेगा वो कभी सेवा में प्रवीण नहीं हो पाएगा, वो कभी अपने आप को पूर्ण रूप में निवेदन कर ही नहीं पाएगा सेवा। और मुझे तो यही लगता है भाई, यही थोड़ी सी बात मैंने संतों के मुख से जो सुनी समझी और सीखी कि भजन का भी प्रसाद है सेवा, भजन का भी सार है सेवा। और ये भजन शब्द जो है ये इसका उद्गम ही भज सेवायाम, इस शब्द से इसका उद्गम हुआ है। सेवा भजन का भी भजन है भाई, सेवा परम भजन है। आप ही ने सुनाया था महाराज जी, एक बार गोसाई विट्ठल नाथ जी के मन में एक बार इच्छा हुई कि श्रीनाथ जी को 56 भोग लगाया जाए, और श्रीनाथ जी का अंग मर्दन कर रहे थे इत्र से, स्नान से पूर्व श्री नवनीत प्रिया जी का अंग मर्दन कर रहे थे। मन में इच्छा हुई कि ठाकुर जी को भाई 56 भोग लगाया जाए। अब भाई वहां का 56 भोग तो बड़ा दिव्य होता है, अद्भुत होता है, दर्शनीय होता है। इधर ठाकुर जी का अंग मर्दन कर रहे हैं, कोमल करों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उधर मन में चल रहा है कि भाई 56 भोग के लिए तो इतनी सामग्री आवश्यक पड़ेगी। अब इतनी सामग्री आएगी कैसे, उसके लिए तो बैलगाड़ी चाहिए। अब बैल तो हमारे पास में है नहीं, तो कुछ बैल भी खरीदने पड़ेंगे। हाथ में प्रभु की सेवा चल रही है और मन से विचार हो रहा है कि भाई ऐसी सामग्री चाहिए, उसके लिए अब बैलगाड़ी चाहिए, अब बैल तो है नहीं, तो वहीं बैठे बैठे जाकर बैल भी खरीदने लगे। अब जब बैल वाले से मोल भाव कर रहे हैं तो एकदम से ध्यान आया कि अरे मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। अपने मन को झिड़का कि अरे मन कैसी प्रभु की दिव्य सेवा करता है, और कहाँ कहाँ व्यापार व्यवहार में पड़ा है। कहते जैसे ही श्री गोसाई जी ने अपने मन से ऐसा कहा, ठाकुर जी बोल उठे, बोले बाबा बैल कौन के ताई खरीद रहे। बोले लाला बैलगाड़ी में लगेंगे। बोले बैलगाड़ी क्यों चाहिए। बोले अमनिया के ताई सामग्री आवेगी। बोले अमनिया कौन के ताई चाहिए। बोले आपको भोग लगावे के ताई। तो बोले बस हो गए हो भजन, बोले जो कर रहे हो हमारे लिए तो कर रहे हो, बस हो गया भजन। भजन शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो तो बड़ा विस्तृत है, बड़ा उदार है, और मैं तो कहता हूँ अंतहीन है। पता नहीं आपकी कौन सी क्रिया प्रभु भजन के रूप में स्वीकार कर ले। महाप्रभु आ रहे हैं वृंदावन भजन करने के लिए, श्री जी आज्ञा देती है दो विवाह करके आइए। अब संसार ने तो जाने कैसी कैसी वार्ता की होगी, संभव है। तभी सेवक जी लिखते हैं करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, जाने कैसी कैसी वार्ता संसार ने की होगी, कैसे कैसे विचार लोगों के मन में उठे होंगे। कोई भजन करने के लिए आ रहा है और मार्ग में दो विवाह और की आ रहा है, पर मान अपमान बहाए दिए जिए एक गुमान प्रिया जू को चेरो। सेवक का अपना मन नहीं होता भाई, सेवक का अपना मन क्या है, स्वामी का मन ही सेवक का मन है, स्वामी की इच्छा ही सेवक की इच्छा है। और मुझे लगता है कि किसी सेवा को करने के लिए तो तन न्योछावर करना पड़ता है, किसी सेवा को करने के लिए मन न्योछावर करना पड़ता है, पर महाप्रभु ने तो श्री जी की सेवा के लिए एक बार अपना यश और अपनी कीर्ति भी न्योछावर कर दी। ये वस्तुतः अपने यश को न्योछावर करना है अपने इष्ट पर। ऐसी घटनाएं आपको काल क्रम में बहुत कम देखने को मिलेंगी, अगर आप निष्पक्ष होकर विचार करें ना, बहुत कम आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जब अपने इष्ट की सेवा के लिए अपना यश भी न्योछावर कर दिया जाए। क्योंकि प्राय करके तो इष्ट की सेवा करके यश मिलता है, लेकिन यहां उस यश को भी न्योछावर किया है, इसे ही आत्मविसर्जन कहते हैं। और इस क्रम में मुझे एक नाम और स्मरण आता है, माता कैकेयी का। भरत को, भरत जी जैसे पुत्र को अपनी कोख में रखने वाली माता साधारण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ठीक एक रात्रि पहले प्रभु मां के कक्ष में जाते हैं, माता का हाथ अपने हाथ में लेकर कि मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। मां कहती है कि राम तुम पर मेरे प्राण न्योछावर हैं, और क्या निवेदन कर सकती हूं, क्या उससे भी अधिक। प्रभु कहने लगे हाँ मां उससे भी अधिक।
मैं आपका यश और आपकी कीर्ति मांगने आया हूं। माता समझी नहीं, कल आपको मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। कांप गई माता का गात, कांप गया कि राम मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हो। और कहते हैं वस्तुतः कौशल्या अम्मा से भी अधिक प्रेम माता केकेई का है श्री रघुनाथ जी पर, इसीलिए श्री रघुनाथ जी माता केकेई के पास में गए। आपको मेरी लीला में मेरा सहयोगी होना है, ये कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। आज तक भी कोई अपने बालक का नाम केकेई नहीं रखता, पर माता केकेई ने प्रभु की लीला के विधान के लिए, प्रभु के सुख के लिए, प्रभु की अनुकूलता के लिए सदा सदा के लिए अपना यश न्योछावर किया, अपनी कीर्ति न्योछावर की। तो भाई किंचित प्रेम देव कृपा कर दें, चुन लें आपको और मुझे, तो इस प्रेम का रस रहस्य किंचित मन बुद्धि में प्रकाशित हो। और जब तक ऐसा ना हो तब तक तो मैं कहता हूं इन प्रेमियों के चरित्र का पावन स्मरण करके ही अपने हृदय को निर्मल करते रहने का प्रयास करना चाहिए। इनका स्मरण भी हृदय को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी इंदुलेखा अरु सखी सुदेवी सकल जूथ हित सेवी। ध्रुवदास जी करे प्रथम वंदी इनके चरण सेवहूं श्यामा श्याम। मोहे विशाखा बिसारो नहीं वृषभानु ललित को व्यथाए सुनाओ ऐसे कहूं निज आली सखी चरणन चेरी मोहे बनाओ चरणन चेरी मोहे बनाओ। वस्तुतः तो विनय इन सहचरियों के चरणों में ही की जाए, यही आपकी और मेरी विनय को श्री जी के चरणों तक जाकर पहुंचा सकती है। भोली सखी कहती हैं जय राधा चरणन की दासी जय राधा चरणन की दासी। सखियन को प्रेम सर्वोपरि विराजमान है, काहे ते जो लाडली लालजू के मनन को कोई एक सुख है तासो आसक्त अवलंब रही हैं। इनको भाव धर याही रस की उपासना में कपट छाण भ्रम छाण निस्दिन मन दे इह विचार में रहे अनन्य होई ताको भाग कहवे को समर्थ नाही। यहां कहते इनको प्रेम सर्वोपरि विराजमान है और क्यों? देखो अगर हम गोपी प्रेम की भी वार्ता करें, मैं अभी आपको यही निवेदन कर रहा था कि गोपी के प्रेम में प्रेम के लगभग लगभग सभी लक्षण प्रकट हैं, पर वहां भी कहीं किंचित गोपी ये तो चाहती है कि कृष्ण मुझे मिले। प्रत्येक गोपी के मन की ये अभिलाषा तो है ना, कृष्ण मुझे मिले, कृष्ण मेरे हो जाएं। पर सहचरी का हृदय तो भाई बड़ा ही बिलग विलक्षण विचित्र है। तुम लालन संग मुदित विराजो मोहे करो मुख चंद्र चकोरी मोहे करो मुख चंद्र चको। ये दो पंक्तियां बता देती हैं सहचरी का भाव क्या है। लालन पर बरसो सुख मेहा दीजो मोहे नेह रस बोरी। आगे सिद्धांत विचार में ही ध्रुवदास जी कहेंगे बोले यहां को प्रेम कैसे हुए, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। एक यही पंक्ति सुनकर तो व्यास जी दौड़े चले आए। जब नवलदास जी गा रहे थे आज अति राजत दंपति भोर, जब अंतिम पंक्ति सुनी पग डग मगत चलत बन बिहरत रुचिर कुंज घन खोर जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। व्यास जी ने कहा भाई ये तो प्रेम की अद्भुत छटा है, ऐसा तो हमने न कभी सुना न देखा न पढ़ा। अरे सब पोथी पुराण हमने छान मारे लेकिन प्रेम की ऐसी छटा तो हमने नहीं देखी कि प्रेमी और प्रेमास्पद परस्पर प्रेम रस का दान कर रहे हैं और दूर खड़ा कोई उन दोनों को देखकर प्रसन्न हो रहा है।
देखो संसार में प्रेम कैसा है, व्यवहार में कैसा है, आप हमें दो हम आपको दें। और आगे बढ़ते चले जाइए, गोपी के प्रेम तक भी पहुंचिए तो भी गोपी ये तो चाहती है कृष्ण मुझे मिले, कृष्ण मुझसे प्रेम करें, कृष्ण मेरे हो जाए, मैं कृष्ण की हो जाऊं। पर सहचरी के हृदय में तो कहीं स्व सुख का लेश भी नहीं है, वो नहीं चाहती है अपना सुख। वो तो कहती है प्रिया लाल को देखती रहें, लाल प्रिया का मुख चंद्र अवलोकते रहें, तुम लालन संग मुदित बिराजो, मुहे करो मुख चंद्र चकोरी। राजी रहा हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, जी दे के जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे भाई इनको प्रेम सर्वोपरि, याते परे ना और कोई भजन ना और कोई सुख। ये बड़ी अद्भुत विलक्षण स्थिति है भाई, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है और तीसरे व्यक्ति का मन प्रसन्न हो रहा है, कोई खा रहा है और कोई तृप्त हो रहा है। ये छटा आपको अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं तीन लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुवनाए, जगमग रहो जड़ावसों श्री वृंदावन माई, श्री वृंदावन माई। प्रेम की जो ये छवि है, ये जो छटा है, दौड़े आए व्यास जी एक पंक्ति सुनकर, अपना सब ज्ञान ध्यान वो सब तत्व ज्ञान न्यौछावर कर दिया प्रेम की इस छवि छटा पर, और उन्मक्त होकर गाया व्यास जी ने इस वृंदावन का यश, इस प्रेम का सुयश। व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर, हित हरिवंश प्रताप ते पाई जीवन मूर। ध्रुवदास जी कह रहे भाई इनको भाव धर, इन सहचरियों का भाव अपने हृदय में धारण करके, याही रस की उपासना में कपट छाड़ भ्रम छाड़। दो बात छोड़ने के लिए कही है, कपट। कपट क्या है? अपना सुख चाहना, ये कपट है। प्रेम के मार्ग पर अपने सुख की आशा कपट है, और कपट मोर्चा लगत ही होत दरस की हान। ऐसा पूर्व में हम चर्चा करते आ रहे हैं ना कि प्रभु के उस मधुर स्वरूप के दर्शन में बाधा क्या है, बताओ, ऊंचा बोलो। मन की कामना, अपने मन की जो कामना है वही प्रभु के उस मधुर स्वरूप के दर्शन में बाधा है। और यहां तो पूर्ण मधुर स्वरूप प्रकट है, नेक भी हृदय की कामना कपाट लगा सकती है उसके आगे। तो दो बात छोड़ने के लिए कहा, एक तो कपट और दूसरा भ्रम। भ्रमित रहता है ना मन, विचारता क्या है, कहता क्या है, करता क्या है, चेतना भ्रमित है ना। हम सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस उपासना को करने के लिए साधु का सा हृदय चाहिए। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम, मनसा वाचा कर्मणा लग जाए इसमें। बस राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है दिन रात, रात दिन, भोर सांझ, जब जब सुध आए, जब जब चेत आए। रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, गाइए गाइए। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो
भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। क्योंकि भाई आप और मैं कहीं से भी आरंभ कर लें, कुछ भी कहते सुनते, पर आना तो आपको अंत में यही है। शेष महेश दिनेश न जाने आज आज हूँ पछताए, सोरस रमा तनक नहीं पायो यद्यपि पलो टत पाए। श्री वृषभ दिन नंद दास बलि जाए, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण, राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। महाप्रभु कहते हैं आधार मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छु मौले। मैं कभी कभी विचार करता हूँ, ठाकुर जी प्रश्न करते जा रहे थे और गोपी उत्तर देती जा रही थी, और अंत में गोपी ने श्री ठाकुर जी को निरुत्तर कर दिया, जगतगुरु को निरुत्तर कर दिया। और जगतगुरु भी कौन से? असली जगतगुरु, माने शुद्ध वास्तविक जगतगुरु, जो जगतगुरु कहलाने योग्य हैं, उनको निरुत्तर कर दिया गोपी ने। तो मैं कभी कभी विचार करता हूं, भाई गोपी के पास ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी चतुराई कहां से आई? तो महाप्रभु उत्तर देते हैं, श्री जी के चरणों की धूल चढ़ाती है गोपी अपने मस्तक पर, ये प्रिया जी के चरण रज का वैभव है, ये उसी का प्रताप है। राधा रानी के चरण महारानी के चरण, रानी के चरण चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और वैसे भी भंवरा पकड़ना हो तो भंवरे के पीछे पीछे मत जाइए। सुंदर सुवासित पुष्प लाकर धरिए, भंवरा तो उसके मकरंद पान के लोभ से आ ही जाएगा। श्याम सुंदर के उस रूप रस, उस प्रेम रस, उस भाव रस के आस्वादन की इच्छा हो तो श्याम सुंदर के पीछे मत जाइए, श्री जी के चरण कमल अपने हृदय में स्थापित कर दीजिए। वो श्याम सुंदर तो मधुकर है, इन चरण कमलों के मकरंद का, इस पराग रस का लुप्त भ्रमर है, आ ही जाएगा। कहते भाई अनन्य होई ताको भाग कहवे को समर्थ नाही। गुरुदास जी कह रहे इस रस में, इस भाव में यदि किसी का मन अटक जाए, उलझ जाए, कह रहे अनन्य हो जाए, अनन्य भाव से जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये चेतना समाहित हो जाए श्री प्रियाजू के चारों चरणों में, वृंदावनेश्वरी के चरण कमल हृदय में स्थापित हो जाए, हमारा मन मधुकर बन जाए श्री जी के चरणों का, तो फिर ध्रुवदास जी कह रहे भैया उसका भाग्य कहने में कोई समर्थ नहीं है, उसके भाग्य की फिर कोई सीमा नहीं। आगे कहते हैं, एक ने कही कि जब प्रेम उपजे
तब नेम रहे के जाई, जे नेम प्रेम ते न्यारे हैं ते जाई, अरु जे नेम प्रेम सो जंत्रित हैं ते कैसे जाई। अब किसी ने ध्रुवदास जी से प्रश्न किया कि जब प्रेम उत्पन्न होता है तो नेम रहता है कि चला जाता है। कल हमने पहले इस विषय पर चर्चा की थी कि प्रेम क्या है और नेम क्या है, किसी को याद है? जो सदा रहे वो प्रेम है और जिसका आदि और अंत वो नेम है। बुद्धिमान होते जा रहे हैं महाराज जी सब, ये आपके प्रसाद का कमाल है। सदा रहे एक रस रहे सो प्रेम है, और जिसका आदि और अंत हो सो सब नेम जाने। वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ध्रुवदास जी कह रहे जो नेम प्रेम से न्यारा है, अर्थात जिसका प्रेम भाव से कोई संबंध नहीं है, वो तो चला जाता है। लेकिन जो नेम प्रेम के द्वारा नियंत्रित है वो कैसे जाएगा? अब इसको आगे और सुस्पष्ट करके समझाते हैं। कहते अब जैसे नौदा भक्तियों नेम है, अब मान लीजिए आप श्रवण कर रहे हैं, अब इसका भी तो आदि और अंत है ना, कीर्तन का भी आदि भी होता है, विश्राम भी होता है, पर ये वो नेम है जो प्रेम के द्वारा नियंत्रित है। तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि क्या भेद होता है, पहले जीव अपने प्रयास से करता है और फिर प्रेम के प्रसाद से वो स्वतः होता है। पहले तो कथा में स्वयं को लाकर बैठाना पड़ता है, फिर कथा की कृपा होती है तो आपका मन आपको संसार से हटाकर कथा में लाकर बैठा देता है। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं एक नियम ऐसा है जिसका प्रेम के भाव से कोई लेना देना नहीं है, श्रवण और कीर्तन है वो रहेगा, लेकिन उसमें जो प्रयास है वो समाप्त हो जाएगा, माने श्रवण कीर्तन सहज हो जाएगा, श्रवण कीर्तन में आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। यहां ध्रुवदास जी का कहने का तात्पर्य है कि भाई है तो नवदा भक्ति भी नेम, श्रवण हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, नवदा भक्ति के जितने भी भाव हैं वो सब नेम ही हैं, लेकिन वो प्रेम से नियंत्रित हो जाते हैं जब, तो उनको करने में प्रयास नहीं करना पड़ता, वो स्वतः घटते हैं। श्रवण की इच्छा, श्रवण की लालसा सहज सहज होती है। गोस्वामी जी तो कह रहे जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जब कथा में अनुराग होता है, जब कथा में अनुराग होता है, और शांडिल्य अपने भक्ति सूत्र में ये एक सूत्र देते हैं कि प्रभु की कथा में अनुराग, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। जब कथा में अनुराग होता है, जब सुनने का लोभ होता है, तो जहाँ पहले अभी कभी आप अपने मन से कहते थे कि चल थोड़ी देर कथा सुन, आज मन कहता है छोड़ संसार का कार्य और चल पहले कथा सुनकर आते हैं। आगे एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे श्वेत वस्त्र लाल रंग्यो तो लाल भयो, पर वस्त्र कहूँ नहीं गयो। तो जो आपकी क्रिया थी वो वस्त्र है, जब प्रेम के रंग में रंगी तो क्रिया तो रही लेकिन वो सहज हो गई, स्वाभाविक हो गई, आनंदप्रद हो गई। और मैं तो कई बार आपको निवेदन करता हूँ, भजन स्वभाव बन जाए। पहले भजन के भाव को गुरुजनों से ग्रहण किया जाता है, पहले भजन की भावना गुरुजनों से ग्रहण की जाती है, और वस्तुतः ये जो भजन का मार्ग है ना, ये भाव से प्रभाव का मार्ग नहीं है, भाव से स्वभाव का मार्ग है। भजन आपका स्वभाव बन जाए, ध्यान रखना भजन को प्रभाव का विषय नहीं बनने देना, बन जाता है संसार जय जयकार करने लगता है। जब भजन की चमक, जब भजन का लावण्य प्रकट होता है तो संसार आकर्षित होता है उस ओर, और व्यक्ति वहां पर सुख लेने लगता है। महाराज जी शरणानंद जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे एक व्यक्ति भाव के नाम पर आपको अपना सर्वस्व निवेदन कर रहा है तो ये उस व्यक्ति की उदारता है, उसकी उदारता का अनुचित लाभ मत लीजिए। संसार तो भाई आपको आपको वस्तुतः भगवान ही बना देगा, और भगवान स्वयं कहते हैं मुझ में और मेरे भक्त में कोई भेद नहीं है, जिस स्थान पर मैं बैठा हूं इस स्थान पर बैठने वाले व्यक्ति के सन्मुख मान पद प्रतिष्ठा धन सामान सम्मान सब कुछ तो आता है, सभी कुछ आता है। आप तो अपना सर्वस्व यहां चरणों में लाकर धर दीजिए, ये आपकी उदारता है, लेकिन मुझे भी सावधान रहना है, आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है उस समय मेरा भी कुछ कर्तव्य है। और कहते हैं साधु ऐसे ले जैसे जैसे भंवरा फूल से लेता है, इसीलिए इस वृत्ति को मधुकरी वृत्ति कहते हैं।
जैसे भंवरा फूल से ले लेता है ना, उसके बाद भी फूल हंसता मुस्कुराता रहता है, ऐसे ही साधु ले संसार से, ले तो पर ऐसे ले। तो भजन को भाव से प्रभाव की ओर मत बढ़ने देना, और भजन प्रकट हुआ तो प्रभाव बनेगा। आपका भजन प्रकट हुआ तो वो प्रभाव बनेगा कि तो संसार है भाई, यहां तो भजन भाव की पूजा होती है। आप अपने सिद्ध का सा स्वरूप बना लीजिए, देखिए संसार आपकी जय जयकार करने लगेगा, पूजा करने लगेगा। पर मैं थोड़ा और मत रखता हूं इस विषय में, मैं तो कहता हूं आपको भी खबर ना पड़े कि आप भजन करते हैं, आपके मन में भी ये बात ना आए कि आप भजन करते हैं। भजन भाव से प्रभाव की ओर लेकर जा रहा है, तो अर्थात आपकी वृत्ति बहिर्मुख होती जा रही है। भजन भाव से स्वभाव बने, जितना आप उसे भीतर दुराएंगे, जितना भीतर छिपाएंगे, भजन आपके स्वभाव में रमता चला जाएगा। छोटा सा आपको उदाहरण दे देता हूं, सरल सा। आपने भोजन किया, आपने भोजन किया और उस भोजन का वमन हो गया, पहली बात तो उस वमन से दुर्गंध आएगी, दुर्गंध आएगी। और दूसरी बात, आपके शरीर को पोषण नहीं मिला, पेट भरा, कुछ देर बाद वमन हुआ, आपके शरीर को पोषण नहीं मिला, भोजन का रस नहीं बना। ऐसे ही आज आपने भजन किया, कल आपने संसार में प्रकट कर दिया। एक तो उससे अहंकार की दुर्गंध आने लगेगी, कर्तृत्व की दुर्गंध आएगी उससे, और दूसरा आपका जो भाव देह है उसको पोषण नहीं मिलेगा, आपके भाव देह को पोषण नहीं मिलेगा। जबकि भजन तो आहार ही आत्मा का है, वो तो तन धन और संसार के लिए किया ही नहीं जा रहा है। और यदि कोई ऐसी घटना घटने लगे तो साधक को सावधान हो जाना चाहिए। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, लोकमान्यता नल सम तप कर कानन दा। अरे बड़े बड़े तपस्वियों के तप का सुंदर कानन इस लोक की प्रतिष्ठा ने भस्मीभूत कर दिया। इस लोक की प्रतिष्ठा है ये भस्मीभूत कर देती है। ये बहुत कठिन मार्ग है भाई, अगर मैं यहां की बात करूं तो ये गति बहुत कठिन है। आपको संसार के मध्य में रहकर संसार से स्वयं को बचा कर रखना है। इसीलिए कल जो मैं बात आपको कह रहा था, आपको अंतिम घड़ी तक अपने मन को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि आप अभी साधक हैं, आपसे भूल हो सकती है, इसीलिए सावधान रहना, बचकर रहना। और ये छोटी सी बात हो सके तो इस सूत्र को आप चिंतन करना, देखना अपने जीवन में, देखना कि कहीं आपका भजन भाव से आपका प्रभाव तो नहीं बनता जा रहा। यदि ऐसा हो रहा है तो वमन हो रहा है उसका, आपके भाव देखो उससे पोषण नहीं मिलेगा। सरल शब्दों में कहूं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी उससे। आप जहां हैं मन वैसे का वैसा ही रहेगा, उससे कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। और मैं कहता हूं कि भजन का प्रभाव आपके आचरण, आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। आपके व्यवहार में मधुरता आए, आपके शब्दों की कठोरता कम हो, आपके विचारों की कुटिलता कम हो, तब तो पता पड़े कि आप भजन करते हैं। नहीं तो माला फेरत जुग भया और फिरा न मन का फेर। तो भजन स्वभाव बने, और जब कोई वृत्ति स्वभाव बन जाती है फिर आप भी चाहो तो उससे पीछा नहीं छूटता। जब कोई वृत्ति स्वभाव बन जाती है ना, फिर आप भी चाहो तो उससे पीछा नहीं छूटता। महाराज जी गंगा के किनारे एक संत पड़े रहते थे, अभी 20-22 बरस पहले की घटना होगी, एक संत के मुख से मैंने सुना। बस पड़े ही रहते थे ऐसी गंगा के किनारे, गंगा जी की रज में धूल धूसरित, और कहते हैं सुबह 10-10 11-11 बजे तक ऐसे लगते थे जैसे सोए ही हैं। एक नया नया साधु आया, सुबह 4 बजे उठकर गंगा जी का स्नान करे, ध्यान करे। अब बगल में जब उसने एक साधु को देखा तो उससे रहा नहीं गया, उसने कहा अरे बाबा क्या खाने और सोने के लिए साधु हुए हो, 10 बज रहे हैं, मध्यान्ह होने को आया है, तुम अभी तक सोते हो, लज्जा नहीं आती। साधु मौज में थे, इशारा करके बुलाया, बोले हमारा हाथ पकड़ कर देखो। उसको लगा शायद ज्वर है, मैंने कुछ अनुचित कह दिया, बोले हाथ पकड़ो, नहीं बाबा ज्वर तो नहीं है तुम्हें। बोले कान से लगाओ। तो वो जो युवा साधु था उस सुनकर हतप्रभ हो गया कि बाबा की रग रग राम 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 बोलती है। पड़ा है साधु, धूल में पड़ा है, कोई ठोकर भी मारकर चला जाता है, धूल में पड़ा है,
जितना गोपन करेंगे आप भजन के भाव का, आपका भजन, आपकी भावना उतनी प्रगाढ़ होती चली जाएगी, उतनी स्थिर होती चली जाएगी। प्रयास करिए इसे छुपा कर रखने का, दुरा कर रखने का। जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति भाव होता है भाई, और हम उसी भाव का प्रदर्शन करने लगते हैं, चौक चौराहे पर प्रदर्शन करने लगते हैं। रो कर गा कर किसे दिखाया जाता है भाई? प्रेमी के अश्रु तो बड़े मूल्यवान होते हैं। गोपी तो अपने नेत्रों में श्रृंगार करके रखती है कि कोई हमारे अश्रु देख ना ले, क्योंकि ये अश्रु तो केवल प्रियतम के लिए हैं, ये अश्रु तो केवल श्याम सुंदर के लिए हैं। तो प्रयास करना है हमें कि हमारा ये भजन हमारा स्वभाव बन जाए। स्वभाव होगा तभी सहज होगा, स्वभाव बनेगा ना भजन तभी सहज भजन होगा, उससे पहले तो प्रयास है, और प्रयास का परिणाम परिश्रम है। किसी को पहले हो जाता है, किसी को बाद में, कोई पहले थक जाता है, कोई बाद में। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, हमारी दिशा ठीक हो, हमें भीतर से और भीतर और फिर और भीतर कहीं जाना है, हमारा भजन हमारा स्वभाव बने। आज की चर्चा यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।